बादलों का निर्माण हुआ, बादलों से संघनन हुआ और संघनन से इस बादल से वर्षा की प्राप्ति पुनः धरातल को हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को हम वृषण कहते हैं, यह संघनन कहलाता है। अर्थात विश्वतीय प्रदेश यानी विश्वत रेखीय प्रदेश में इसके दो एक कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, वो मैं मेंशन कर लेता हूँ। यानी जो हमारा विश्वतीय प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है, जो हमारा विश्वतीय प्रदेश है, विश्वतीय प्रदेश कौन सा प्रदेश, जो विश्वतीय प्रदेश है विश्वतीय प्रदेश या शांत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, यानी संवहनीय वर्षा होती है, कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय प्रकार की वहाँ पर वर्षा होती है, संवहनीय प्रकार की वहाँ पर वर्षा प्राप्ति होती है, ठीक है ना। यानी इस प्रकार की वर्षा उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दोपहर में, यानी इस प्रकार की जो वर्षा होती है, इस प्रकार की वर्षा, एक तो तापमान क्या होता है, यानी उच्च तापमान होता है, क्या होता है यहाँ पर एक तो तापमान क्या होता है, उच्च होता है, एवं आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण है, एवं आर्द्रता के कारण दोपहर, यानी दोपहर होता है ये शुद्ध तो, लेकिन चलो दोपहर 2 से 3 बजे बादल छा जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यानी बादल छा जाते हैं, यानी दोपहर 2 से 3 बजे क्या होते हैं, बादल छा जाते हैं और कुछ ही क्षणों में, और कुछ ही क्षणों में और कुछ ही क्षणों में लगभग लगभग साये 4 बजे और लगभग साये और लगभग और लगभग साय 4 बजे वर्षा क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्या प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्लास में थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, हेलो, क्लास में हूँ थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। और वर्षा प्रारंभ हो जाती है, क्या प्रारंभ हो जाती है, और वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। अगले यदि हम वर्षा की बात करते हैं, अगले वर्षा का जो प्रकार आता है, अगले जो वर्षा का प्रकार है, वह वर्षा का प्रकार आता है हमारे पास में, यदि हम अगले वर्षा की बात करते हैं, अगला जो हमारे पास में प्रकार आता है वह है
अगला जो हमारे पास में सेकंड नंबर का जो प्रकार आ रहा है वह प्रकार आ रहा है देखिए अगला हमारे पास में जो वर्षा का प्रकार आ रहा है यदि उस वर्षा के प्रकार की यदि हम आपसे बात करते हैं तो अगला जो प्रकार आ रहा है वह आ रहा है ओरोग्राफिक। सेकंड नंबर का जो वर्षा का प्रकार आ रहा है वह आ रहा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा जिसको हम क्या कह रहे हैं ओरोग्राफिक। ओ आर ओ जी आर ए पी एच आई सी ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन यानी ओरोग्राफिक वर्षा कह दो या रेनफॉल कह दो, ठीक है ना, ओरोग्राफिक रेनफॉल कह दो या ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन कह दो, ठीक है ना। हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी वर्षा की? हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे पास में आ रही है कौन सी वर्षा। हमारे पास में जो वर्षा का प्रकार आया है यदि उस वर्षा के प्रकार की हम बात करते हैं तो वर्षा का प्रकार आ रहा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। कौन सा फॉल आ रहा है? ओरोग्राफिक हमारे पास में रेनफॉल आ रहा है। देखिए हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की आपसे बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक हम आपसे रेनफॉल की बात कर रहे हैं। यदि हम ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो यह वर्षा यानी जब जल वाष्प से मुक्त गर्म वायु यानी किससे जब जल वाष्प से मुक्त गर्म वायु किससे जब जल वाष्प से मुक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ किसी पर्वत या किसी पठार यानी ये या तो कोई माउंटेन हो सकता है या कोई प्लेटू हो सकता है उसका स्लोप यानी किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर उठना होता है। क्या होता है? ऊपर उठना होता है। देखो एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब जब जल वाष्प से मुक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के सहारे ऊपर उठना होता है यानी
जब जलवाष्प से मुक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के सारे क्या होता है, किसी पर्वत या पठार के ढलान के सारे ऊपर उठना होता है। किसी किसी पर्वत या पठार के ढलान के सहारे सहारे ऊपर उठना होता है तो वह वायु यानी वह वायु रुद्धोष्म प्रक्रिया से, क्या रुद्धोष्म प्रक्रिया से वह वायु रुद्धोष्म प्रक्रिया से ठंडी होने लगती है। वह रुद्धोष्म प्रक्रिया से क्या होने लगती है, वह रुद्धोष्म प्रक्रिया से ठंडी होने लगती है। जैसे ही वो रुद्धोष्म प्रक्रिया से ठंडी होती है तो धीरे धीरे वह संतृप्त होने लगती है। तो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है तथा धीरे धीरे वह क्या होने लगती है, तथा धीरे धीरे वह ठंडी होने लगती है, क्या होने लगती है, तथा धीरे धीरे वह संतृप्त हो जाती है तथा तो धीरे धीरे वह तो धीरे धीरे वह संतृप्त हो जाती है तथा धीरे धीरे वह क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संतृप्त होते ही तो क्या हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संघनन के प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस वर्षा को संघनन के
पश्चात होने वाले इस वर्षा को, संघनन के पश्चात होने वाले इस वर्षा को, होने वाली इस वर्षा को पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं? संघनन के पश्चात होने वाली इस वर्षा को कौन सी वर्षा कहते हैं? पर्वतीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहलाती है? पर्वतीय वर्षा कहलाती है। यह है वर्षा, देखिए यह प्रोसेस देखिए, बस ऐसे ही पर्वतीय वर्षा हो रही है। जब जलवाष्प से मुक्त गर्म वायु को यानी जब जलवाष्प से वायु क्या होगी, जब जलवाष्प से वायु मुक्त होगी, किससे मुक्त होगी? जब जलवाष्प से वायु मुक्त होगी यानी जलवाष्प से जब वायु क्या हो जाएगी, जलवाष्प से जब वायु मुक्त हो जाएगी तो यानी हवा हल्की होगी तो ही ऊपर उठेगी, वरना भारी हवा ऊपर नहीं उठेगी। देखिए आप, जब जलवाष्प से मुक्त गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान से, पठार के ढलान के सहारे ऊपर उठना होता है, यानी हल्की हवा ही किसी भी यानी पर्वत या पठार के ढलान के सहारे ऊपर वही हवा उठेगी जो जलवाष्प से मुक्त होगी, जो जलवाष्प से मुक्त होगी वही वही हवा क्या होगी, वही हवा ऊपर की ओर उठेगी। किसकी ओर ऊपर यानी उठेगी? वही हवा ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है ना। वह वायु रुद्धोष्म प्रक्रिया से ठंडी होने लगेगी, ऊपर जाकर के वह वायु जैसे ही तापमान कम हो जाएगा तो तापमान के कम होते ही यह वह हवा क्या होने लग जाएगी, वह हवा ठंडी होने लग जाएगी, वह हवा ठंडी होने लग जाएगी। वो तो धीरे धीरे वह संतृप्त हो जाती है, जैसे ही ठंडी होगी तो वह हवा उसके नमी धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, वह हवा संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होते ही जिसके परिणाम, जैसे ही हवा संतृप्त हुई तो उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा, संघनन के पश्चात होने वाली वर्षा को ही ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं, यानी पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी विश्व में जो अधिकांश वर्षा होती है ना, हम बात करें कि विश्व में जो अधिकांश वर्षा होती है, देखिए विश्व में अधिकांश वर्षा पर्वतीय रूप में ही प्राप्त होती है। विश्व में अधिकांश वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? विश्व में अधिकांश वर्षा क्या? विश्व में अधिकांश वर्षा यानी विश्व में अधिकांश वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? पर्वतीय रूप में ही प्राप्त होती है। तथा इसकी विशेषता देखिए, तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ
तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। यह पर्वतीय वर्षा की क्या है, यह पर्वतीय वर्षा की विशेषता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ, तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। क्या यानी वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी जो पर्वतीय ढाल पवनों के सामने पड़ता है उसको पवन अभिमुख ढाल कहते हैं। यानी जो ढाल पवन के सामने पड़ता है, यानी जो पर्वतीय ढाल पवनों के सामने पड़ता है उसे पवनाभिमुखी पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। यानी जो ढाल पवनों के सामने, यानी जो पर्वतीय ढाल पवनों के सामने पड़ता है उस ढाल को हम पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। कौन सा ढाल कहते हैं, पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। अर्थात यानी रुद्रोष्म ताप वृद्धि के कारण से, कौन सी वृद्धि के कारण से, रुद्रोष्म जो ताप वृद्धि होती है उस रुद्रोष्म ताप वृद्धि के कारण से गर्म एवं, यानी जो रुद्रोष्म ताप वृद्धि होती है, यानी रुद्रोष्म ताप वृद्धि के कारण से, कौन सी वृद्धि के कारण से, रुद्रोष्म ताप वृद्धि के कारण से, कौन सी वृद्धि, रुद्रोष्म ताप वृद्धि के कारण से गर्म और शुष्क हवा उस पर्वत के दूसरे ढाल की ओर, यानी पवन विमुखी ढाल की ओर, यानी पवन विमुखी ढाल की ओर उतरने लगती है, जिसके कारण से वर्षा की मात्रा में क्या आ जाती है, जिससे सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आ जाती है, और सापेक्ष आर्द्रता में कमी आ जाने के कारण से वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है और वही वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो अगला फैक्ट है पवन विमुखी, पवन विमुखी ढाल वृष्टि छाया को प्राप्त करता है, वृष्टि छाया को प्राप्त करता है। कौन सा ढाल, यानी पवन विमुखी ढाल वृष्टि छाया को प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, वृष्टि छाया को प्राप्त करता है। देखिए हम पवन अभिमुखी ढाल की बात करें और हम आपसे पवन विमुखी ढाल की बात कर लेते हैं, यानी पवन अभिमुखी ढाल और हम पवन विमुखी ढाल की बात करें, हम दोनों ढालों की आपसे बात कर लेते हैं, पवन अभिमुखी ढाल
और पवन विमुखी ढाल की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए आप, यदि इन दोनों ढालों की हम आपसे बात करते हैं तो आप देखिए, यदि हम इन दोनों ढालों की आपसे बात कर लेते हैं तो एक ढाल तो है हमारे पास में पवन विमुखी ढाल और दूसरा है हमारे पास में पवन अभिमुखी ढाल। एक तो पवन विमुखी है और एक पवन अभिमुखी ढाल है। देखिए, एक ढाल तो है पवन विमुखी, गर्म एवं यह आर्द्र हवा है। यह हवा का प्रकृति कौन सी है? गर्म एवं हवा कौन सी है? आर्द्र वायु। इसका मतलब वर्षा करने वाली वायु है, ये तो गर्म एवं आर्द्र वायु है। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर समुद्र है भाई। इस हवा ने यहाँ से नमी ग्रहण की थी, ठीक है ना? इस हवा ने यहाँ से क्या की थी? नमी ग्रहण की थी। कहाँ से? यह हवा कौन सी है? इस हवा को कहते हैं पवनाभिमुखी हवा। ये जो ढाल है ना, ये पर्वत या पठार का ढाल, ये हवा के सामने है। पवनाभिमुखी पवनाभिमुखी ढाल है, ठीक है ना? ये ढाल है पवन विमुखी ढाल, ये पवन विमुखी ढाल है। यहाँ की हवा कैसी है? यहाँ की हवा गर्म और शुष्क है। गर्म एवं शुष्क हवा कैसी है? गर्म और शुष्क हवा है। क्या हुआ यहाँ पर? हवा क्या हो गई यहाँ पर? हवा भाई ठंडी हो गई। ठंडी होते ही संघनन हुआ, यानी संतृप्त हो गई, संघनन प्रारंभ हो गया, और उसके बाद में क्या प्राप्त हो गई? ये यहाँ पर ठंडी हवा है। कौन सी हवा हो गई यहाँ पर? यह ठंडी हवा है, ठंडी वायु है, ठीक है ना? यह ठंडी हवा है, ठीक है ना? ये समुद्र का तल है, यानी ये यहाँ पर क्या है? यह है समुद्र का तल है हमारे पास में, समुद्र तल, समुद्र तल है, ठीक है ना? समुद्र तल है। ये विमुखी है, यह आर्द्र और गर्म पवन है यहाँ पर। यह हवा ऐसे ऊपर आके और ऐसे नीचे उतर रही है। देखिए, यह हवा इस प्रकार से चली और इस प्रकार से चलने के बाद में यह हवा इस प्रकार से गर्म होकर, शुष्क होकर और नीचे उतर गई है। अर्थात यह क्षेत्र तो हमारे पास में कौन सा है? वृष्टि अतिवृष्टि वाला, यह तो है अतिवृष्टि वाला। और यह क्षेत्र है कौन सा हमारे पास में? यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र है हमारे पास में अनावृष्टि वाला। कौन सा क्षेत्र है? यह क्षेत्र है हमारे पास में अनावृष्टि वाला, यानी वृष्टि छाया वाला, अनावृष्टि वाला, जहाँ यहाँ बहुत अधिक वर्षा हो रही है या बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है ना? यहाँ बहुत कम वर्षा हो रही है। भारत का महाबलेश्वर और पुणे की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो महाबलेश्वर में अतिवृष्टि होती है और पुणे में अनावृष्टि होती है। तो ढाल के सामने पड़ने वाला भाग, यानी पवन विमुखी ढाल और पवन यानी पवन मुखी ढाल, इन दो की ही हमारे सामने क्या आती है? इन दो की हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हमारे पास में जो वर्षा की ये दो प्रकार हैं, ये दोनों प्रकार हमारे क्या हो गए हैं? वर्षा के दोनों प्रकार हमारे कंप्लीट हुए। हमारा वर्षा का जो एक प्रकार आता है, वह एक प्रकार की हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
यानी वर्षा का जो हमारे पास में तीसरा जो चक्रवातीय प्रकार आ रहा है, उस चक्रवातीय प्रकार की यदि हम आपसे बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उस चक्रवातीय प्रकार की आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए यानी विराम, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। मिलते हैं पुनः फिर नई क्लास के साथ में।